जहांगीरपुरी में दिखने लगी अमन और शांति। कल दोनों समुदाय के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। आज भाईचारे को बढ़ाने के लिए दोनों समुदाय करेंगे इफ्तार पार्टी। हिजाब के बाद बाइबल पर विवाद। कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल लाना अनिवार्य। हिंदू संगठन बोले ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ। इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीता। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने मैक्रो। 58.2% वोट के साथ मरीन ले पेन को दी मात। पीएम मोदी ने दी बधाई। रूस यूक्रेन जंग का आज 61वां दिन। खार्किव में रूस ने मिसाइल से किया हमला। 2 की मौत, 14 लोग जख्मी। जयपुर के सांगानेर में दर्दनाक हादसा। टैंकर ट्रोले की भिड़ंत के बाद लगी आग। एक व्यक्ति की झुलसने से मौत। श्रीगंगानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। श्री करणपुर एडीजे कोर्ट का फौजदारी बाबू हेमंत हुआ ट्रैप। 400 रुपए की रिश्वत लेते किया गया ट्रैप। साक्ष्य अभिलेखन मान देने से कमीशन के रूप में ली थी रिश्वत। प्रतापगढ़ में छात्रावास के बाहर स्कूली छात्रा का पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस सुसाइड का ही मान रही मामला। मामले की तफ्तीश जारी।